नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है और वहीं जिलों के शहर उदयपुर में भी राजनीति गहमा गहमी में गरमाई हुई नज़र आ रही है और उसी को लेकर उदयपुर शहर के दोनों ही कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी अपने अपने सभी क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी क्षेत्रों के अंदर जनता को लोक लुभावने वादे करते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी के बीच कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए और नियमों को अवरुद्ध करते हुए महामहिम जो वर्तमान में असम के राज्यपाल बन चुके हैं गुलाबचंद कटारिया भी बिल्कुल उसी तर्ज पर नज़र आ रहे हैं जो पूर्व विधायक उदयपुर शहर के करीब 4 बार रह चुके हैं। आप देख सकते हैं ये उपमहापौर के साथ महापौर का मकान है जो अशोक नगर दुर्गा नर्सरी रोड पर गुड्डू कचोरी वाले के जस्ट पास में बना हुआ है। यहाँ पर चुनाव की रणनीति को तय करने के लिए कि किस तरह से ताराचंद जी जैन की विजय पताका को फहराया जाए उसी को लेकर यहाँ पर एक महापौर जीएस टाक के मकान पर जो कि उनका निजी मकान है वहाँ पर रखी गई है और उसी के तहत आज उदयपुर शहर में नगर निगम बोर्ड में जितने भी भाजपा के पार्षद हैं और समिति अध्यक्ष हैं उन सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है और अपने भाजपा के एक महत्वपूर्ण गढ़ जो कि मेवाड़ की 8 सीटों को लेकर कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर जब मेवाड़ के माध्यम से ही वो द्वार खुलता है जिसके माध्यम से राजस्थान में सरकार को निर्मित किया जाता है और वहीं पर उसको लेकर आज किस तरीके से अपने स्वयं के गढ़ को जो ढहता हुआ नज़र आ रहा है उसे बचाने का प्रयास करने के तहत एक मीटिंग का आयोजन रखा गया जिसके तहत स्वयं गुलाबचंद कटारिया जो कि वर्तमान में असम के महामहिम राज्यपाल हैं वे यहाँ पर आए और नियमों की बात करें तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें राष्ट्रपति को यह भी बताना होता है कि आज किस किस जगह उनकी आवाजाही रहेगी और क्या मार्ग रूट रहेगा उसके तहत जिला प्रशासन को नियमों की बात बताई जाती है और उनके मार्ग को बिल्कुल फ्री करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाला विषय सबसे बड़ा यह है कि उन सभी प्रोटोकॉल को ताक में रखने के बाद आज गुलाबचंद कटारिया जो कि असम के राज्यपाल हैं वो महापौर के निवास स्थान पर पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने सभी पार्षदों की और अन्य भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली जिसके अंदर यह तय किया गया कि आखिरकार ताराचंद जी जैन की सीट को किस तरीके से बचाते हुए यहां पर विजय पताका फहराई जा सके। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम। कपीश भल्ला नाम है सर, कुछ जवाब देंगे सर। राज्यपाल होने के नाते आपका अभी प्रोटोकॉल होता है वो आज नज़र नहीं आ रहा है। मैं प्रोटोकॉल स्वयं ही सर। राज्यपाल साहब आए उनका प्रोटोकॉल नज़र नहीं आया, क्या कहेंगे सर आप? सर प्रोटोकॉल नज़र नहीं आया कुछ आज, उसे पूछो ना आप। सर राष्ट्रपति के यहाँ पर लिखित में होता है कि सुबह 8 बजे से लगा के शाम तक क्या कार्यक्रम रहेगा, वो भेजा क्या उन्होंने? आखिरकार ऐसा कौन सा रीजन था जो सर महापौर है, प्रथम नागरिक है सर, आपकी अपनी जवाबदारी बनती है। बहुत सुना जी, बड़ा शानदार। किसके साथ खींचे आपने? फूल जी के साथ और एक इनके साथ था जी, इमरान जी के था, नहीं नहीं पालीवाल जी के साथ, के जी पालीवाल जी का। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा सर। लेकिन अभी वर्तमान में जो बात हो रही है वो गुलाब जी भाई साहब को लेके हो रही है, उदयपुर शहर के अंदर बहुत अच्छी राजनीति रही है लेकिन आज वर्तमान में राज्यपाल है लेकिन उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है जो अभी नज़र नहीं आया। प्रोटोकॉल क्या होता है बताओ किस सर? उनके गार्ड्स होते हैं कल विद्युत रोशनी देखने गए उदयपुर शहर की आपके द्वारा जो की गई थी, बेहतर। ये तो उनसे पूछो ना भाई। सर आपके घर पर वधारे हैं? हर दिवाली पे गुलाब जी मेरे घर पे आते हैं। सर सारे कार्यकर्ता यहीं पे मीटिंग ली जा रही है, अभी चुनाव का दौर है। सर आप कुछ भी बेहतर रूप से कहना चाहेंगे? आप इंजीनियर है सर, बहुत अच्छे प्रथम नागरिक है उदयपुर शहर के। आप अपार
सर बालते बूंदी पूजा में लीगल बात है सर, ये तो उदयपुर शहर की इनका इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा। ये हमारे अच्छे भाई है, क्वेश्चन भी पूछा इन्होंने, अच्छे लगे अच्छे लगे। सर लीगल बात ही करते हम तो, जी9 पत्रकार है उदयपुर शहर के, और उदयपुर के बेहतरी की विकास की बात करते हम तो। मैं कभी सर इस तरह की बात कभी आज तक अपने, मेरे नाम कपीश बल्ला, उदयपुर खबर चलाता हूँ। पता जी मैं तो इनका जो अभी इंटरव्यू मैंने पढ़ा था, मैं व्हाट्सअप कम देखता हूँ। जी सर, आज सुबह मैंने देखे थे, पढ़ा था, तो बड़ा अच्छा लगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। क्या सर एक वर्जन तो दे दीजिए। अभी नहीं वर्जन सर, महामहिम जी आए आपके यहाँ पे, खुशी की बात है। तो क्या कहते हैं होली मिलन का, दिवाली मिलन, लेकिन प्रोटोकॉल होता है सर उनका भी अपना। किस तरह का गेट टुगेदर रहा है सर? बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। महामहिम जी आए, क्या किस दिशा निर्देश देके गए? कोई दिशा निर्देश नहीं, सिर्फ एक दीपावली स्नेह मिलन समारोह था और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देके। अपना उनका प्रोटोकॉल होता है वो नज़र नहीं आया। प्रोटोकॉल है ना सर, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, सभी पार्षद मिल के दीपावली स्नेह मिलन में हम आपस में मिले हैं। एक संवैधानिक पद होता है, उस पद की गरिमा तार तार कर रहे हो सर। कोई तार तार ऐसा नहीं, कुछ महसूस नहीं हो रहा। दीपावली स्नेह मिलन में हम सभी के आदर्श हैं वो, और हम सभी को उन्होंने ही बनाया है एक तरह से। तो लेकिन अभी चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता चुनाव में ऐसे चुनाव का कोई डिस्कशन ही नहीं था सर, सिर्फ एक पारिवारिक, हमारा एक परिवार है, पार्षद परिवार है, और परिवार में एक दूसरे से मिलना कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन मैं नहीं मानता हूँ कि ऐसा कोई ना। भाई साहब ने ऐसी कोई बात कही राकेश जी? भाई साहब दीपावली के दिन बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है उदयपुर शहर की जनता को चुनाव के बीच में इस तरह के कार्यक्रम। हमारे मार्गदर्शक हैं भाई सर, दीपावली पे हम सबको संभालने आए, उनका यहाँ निवास है। देवेंद्र जी साहब, किस तरह की मीटिंग रही है? नहीं मीटिंग कोई नहीं रही, हम तो महापौर जी से दीपावली मिलन के लिए औपचारिक रूप से आए, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो महामहिम जी आज आए थे। मेरे को मालूम नहीं आए होंगे पहले। आपने देखा नहीं उनको? अभी महापौर जी से मिलने आए हम तो। यार लग तो रहा है आपके यार। मैडम नमस्कार। मैडम किस तरीके से देखते हैं दीपावली की शुभकामनाएं सबसे पहले तो आपको? बिल्कुल, आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहर वासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। आज जो मीटिंग रखी है उसका पीछे क्या दिशा निर्देश जारी हुए हैं? कोई दिशा निर्देश नहीं है कि हमें महापौर जी से मिलना था, सभी का स्नेह मिलन उन्होंने आज घर पे रखा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आचार संहिता है, हम निगम भी नहीं जा रहे, मेला भी लग रहा है, तो आज उन्होंने घर पे ही रखा और बिल्कुल आत्मीयता से, बिल्कुल परिवार की तरह, तो ये बहुत अच्छा माहौल। महामहिम जी आए, महामहिम जी आए होंगे, हमारे से पहले आए होंगे या बाद में आए होंगे, भी ये महापौर जी मिलने आए होंगे क्योंकि उनसे बड़े हैं महापौर जी। कोई प्रोटोकॉल की बात रही थी, आए तो उनका प्रोटोकॉल दिखाई नहीं दिया मैडम इस विषय पर। हमें नहीं मालूम है, हम लोग तो महापौर जी से मिलने के लिए आए, पहले आए हो बाद में आप कह रहे हो, हम नहीं कह रहे ये तो, हम लोग तो व्यक्तिगत, हमारे को महापौर जी का निमंत्रण था कि सभी जने स्नेह मिलन एक ही जगह पर मनाएंगे, तो आज उन्होंने आत्मीयता से हमें सबको बुलाया और सभी को बहुत अच्छा सा दिवाली का हमने स्नेह मिलन रखा है। थैंक यू। भैया दीपावली किस तरह से मनाई, क्या कुछ विशेष रहा आपके पास? हर चीज़ विशेष रहती है, भगवान की दया से मैंने दीपावली बहुत बढ़िया बनाई, मेरे बच्चे बच्ची ने मेरे लिए नए नए शर्ट खरीदे, आप देखो कितने कलरफुल, मेरे बेटे मेरा ध्यान रखते हैं और बहुत खुशी मनाई, और बस बाकी तो बढ़िया है। आज खेंकरा है और खेंकरा मनाते हैं जितने भी लोग होते हैं, खेंकरा में एक तो गाय गोबर की गोवर्धन की जी की पूजा करते हैं, और दूसरा जो बैल होते हैं किसान उसकी भी खेंकरे के दिन पूजा करते हैं, और कहीं पूछे बस। महामहिम जी आए थे, कौन महामहिम? कौन गुलाब जी भाई साहब आए थे आज मीटिंग यहाँ पर महापौर जी के यहाँ पे? नहीं मैंने पता नहीं, मैं तो महापौर जी ने मैं तो खाली महापौर जी रहते यूँ देखियो, मैं तो गुलाब जी मन नहीं मिला। कपीश बल्ला उदयपुर खबर से, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज मार्गदर्शक जो आपके महामहिम जी आए थे, उन्होंने क्या कुछ बताया? बस दीपावली की शुभकामना दी और हम सबसे मिले। चुनाव कैसे जीतना वो भी तो बताया होगा ना? नहीं नहीं इस विषय में कोई बात नहीं हुई, सिर्फ दीपावली स्नेह मिलन था और चाय नाश्ता किया और बस निकल गए। आखिरकार चुनाव के बीच में प्रोटोकॉल को तोड़ कर आना कैसे देखते हो?
नहीं नहीं, वो अभी चुनाव को प्रोटोकॉल का उस विषय में कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं भी अभी कुछ बात नहीं चाहिए। लेकिन आपको लगता महामहिम जी का यहाँ आना हो पार्टी के कार्यक्रम में? नहीं नहीं, दिवाली है, उनका परिवार यहाँ पे है, तो महामहिम जी क्यों नहीं आएंगे? आएंगे ना।